हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8th स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस सेट 3.2 देखेंगे। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ए रेस टू एम अपॉन एन। ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स है एम अपॉन एन एंड बेस है यहाँ पे ए। ठीक है, ए वाला है इंडेक्स एंड यहाँ पे ए क्या है, बेस है। ठीक है, अभी इसको हम इस वाले फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो ए रेस टू एम एंड बाद में मैंने लिखा 1 अपॉन एन, और इसको और एक फॉर्म में लिख सकते हैं हम ए रेस टू 1 अपॉन एन को पहले लिखेंगे एंड बाद में एम को लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एम अपॉन एन में एम जो है वो क्या है, पावर है। एम जो है वो है पावर एंड एन है रूट। यहाँ पे एम क्या है, पावर है एंड एन है रूट। तो यहाँ पे देखो पहले हम ब्रैकेट के बाहर का रीड करेंगे। दोनों सही है, एक को मैंने रूट ऑफ द पावर इस फॉर्म में लिखा है, दूसरे को मैंने पावर ऑफ द रूट इस फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे नीचे जो होता है वो क्या होता है, रूट। तो यहाँ पे रूट क्या है, देखो डिनोमिनेटर में क्या है, एन है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, nth रूट ऑफ mth पावर। यहाँ पे देखो mth पावर ऑफ ए। ठीक है, ऑफ ए एंड सेकेंड देखो सिर्फ सिंपल एम लिखा है और ये एम क्या है, पावर है। तो इसका मतलब पहले हम लिखेंगे एम्थ पावर, जो बाहर है ब्रैकेट के उसको पहला रीड करना है हमें, एम्थ पावर ऑफ एंथ रूट ऑफ ए। ठीक है, ओके। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखो 2 रेस टू 3 अपॉन 5। ठीक है, यहाँ पे 3 अपॉन 5 में 3 जो है ये क्या है, पावर है एंड 5 इसमें रूट है। ठीक है, 5 रूट है। अभी इसको हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो हमने जैसे दो फॉर्म में लिखा है, इसको भी हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं, इक्वल टू 2 रेस टू 3 एंड देन हम लिखेंगे बाहर 1 अपॉन 5 एंड यहाँ पे इसको हम लिखेंगे 2 1 अपॉन 5 पहले लिखेंगे एंड बाद में 3 लिखेंगे। ठीक है, अभी देखो डिनोमिनेटर में जो है 5 क्या है, यहाँ पे 5 रूट है। ठीक है, यहाँ पे मैं इंडिकेट करती हूँ आर एंड पी से एंड 3 क्या है, पावर है। तो रीड कैसे करेंगे, ब्रैकेट के बाहर वाले को पहले रीड करना है हमें। तो यहाँ पे देखो 5th पावर ऑफ 3rd रूट ऑफ 2। ठीक है, एंड सेकेंड भी देखो यहाँ पे हम लिखेंगे 3rd पावर ऑफ 5th रूट ऑफ 2। ठीक है, ये भी सही है, सिर्फ यहाँ पे हमने अलग अलग वे में इनको एक्सप्रेस किया है। जो भी आपको एक्सपोनेंट होता है उसमें से ऊपर वाला पावर होता है एंड जो डिनोमिनेटर में होता है वो होता है रूट। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। उसमें से एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट उन्होंने हमें सॉल्व करके दिया है। सेकेंड वाला है 45 रेस टू 4 अपॉन 5। ठीक है, इसमें 4 है पावर एंड 5 क्या है, रूट है। तो पहले हम किस फॉर्म में लिखेंगे, पावर ऑफ द रूट। ठीक है, पहले पावर को एक्सप्रेस करेंगे बाद में रूट को। पावर क्या है, 4। तो 4th पावर ऑफ 5th रूट ऑफ 45। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमें दिया है रूट ऑफ द पावर। तो पहले रूट को एक्सप्रेस करेंगे, रूट क्या है, 5। 5th रूट ऑफ 4th पावर ऑफ 45। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो 81 रेस टू 6 अपॉन 7। यहाँ पे 6 पावर है
एंड 7 रूट है, ठीक है। तो पहले पावर ऑफ द रूट इस फॉर्म में लिखना है, मतलब पहले पावर को लिखेंगे, 6 पावर ऑफ 7th रूट ऑफ 81, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखो रूट ऑफ द पावर, तो पहले रूट को लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे आर होना चाहिए, रूट है 7, 7th रूट ऑफ 6th पावर ऑफ 81। नंबर फोर्थ एग्जांपल दिया है, 100 रेस टू 4/10, यहाँ पे 4 पावर है एंड 10 रूट है, ठीक है। अभी पहले पावर को एक्सप्रेस करना है, बाद में रूट को, 4th पावर ऑफ 10th रूट ऑफ 100। एंड नेक्स्ट देखो रूट ऑफ द पावर, तो पहले रूट को एक्सप्रेस करेंगे, रूट क्या है 10, 10th रूट ऑफ 4th पावर ऑफ 100, ठीक है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल, 21 रेस टू 3/7, 3 यहाँ पे पावर है, 7 यहाँ पे रूट है। पहले पावर ऑफ द रूट की फॉर्म में लिखेंगे, पहले पावर को, मतलब 3rd पावर ऑफ 7th रूट ऑफ 21, ठीक है। एंड नेक्स्ट रूट ऑफ द पावर की फॉर्म में लिखेंगे, रूट क्या है 7, तो यहाँ पे 7th रूट ऑफ 3rd पावर ऑफ 21, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रैशनल इंडाइसेस, ठीक है। नंबर्स को हमें रैशनल इंडाइसेस के फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 5th पावर ऑफ 121, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, 121 पहले लिखेंगे, रूट कितना दिया है स्क्वायर रूट, मतलब यहाँ पे अपॉन के नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2, ठीक है, स्क्वायर दिया है इसीलिए 2। एंड पावर कितनी दी है 5th, तो ऊपर होता है पावर एंड नीचे होता है रूट, तो यहाँ पे हम इस नंबर को ऐसे लिखेंगे 121 रेस टू 5/2। सेकेंड देखो, क्यूब ऑफ 4th रूट ऑफ 324, ठीक है। यहाँ पे पहले पावर दिया है एंड बाद में रूट दिया है, ठीक है। तो पहले 324 पावर न्यूमरेटर में होता है, क्यूब मतलब 3 एंड डिनोमिनेटर पे होता है रूट, और रूट कितना है 4, तो यहाँ पे 324 रेस टू 3/4। नेक्स्ट देखो, अभी एग्जांपल नंबर 3, 5th रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 264, रूट दिया है 5 एंड पावर में आपको दिया है स्क्वायर, ठीक है। तो 264 रूट आता है डिनोमिनेटर में, तो 5 आएगा डिनोमिनेटर में एंड यहाँ पे पावर क्या दिया है स्क्वायर, मतलब ऊपर आएगा 2, 264 रेस टू 2/5। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4th, क्यूब ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3, देखो यहाँ पे पावर भी हमें क्यूब ही दिया है, मतलब 3 ही दिया है एंड रूट भी हमें क्यूब ही दिया है, क्यूब मतलब 3 ही दिया है, ठीक है। तो 3 का हम क्या लिखेंगे, 3/3, ठीक है, क्योंकि पावर भी 3 है एंड रूट भी 3 है, 3 रेस टू 3/3। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 3.2 कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।